हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया पार्टी स्नैक। इसे आप एज अ स्टार्टर खा सकते हैं, कोई गेस्ट है तब बना सकते हैं और काफी जल्दी बन जाता है और बहुत ही शानदार है टेस्ट में। ये है चीजी चटनी फिल्ड बॉल्स, या आप कह सकते हैं बॉम्ब्स। इसमें चीज और चटनी का एक्सप्लोजन होगा। आप अपनी किसी पार्टी के लिए बना सकते हैं कभी भी, या कभी भी यूं ही शाम को चाय के साथ एक टी टाइम स्नैक की तरह खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चटनी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मेरे जैसे मैं चटनी बनाती हूँ, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैंने लिया है एक कप धनिया और उसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है और साथ में एक ग्रीन चिली ऐड की है। उसके साथ मैंने लिया है एक छोटा कच्चा आम जिसको मैंने काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 3-4 क्लव्स मैंने लहसुन लिए हैं और 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट। आप अपने तरीके से कैसी भी चटनी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि चटनी जो है उसमें पानी नहीं मिलाना है। पानी अगर आपको मिलाना है तो बहुत ही कम मिलाइएगा, क्योंकि फिर ये फिलिंग में बहुत दिक्कत होगी। और बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े आलू जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ये तकरीबन 100 ग्राम्स पनीर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 2 कप के बराबर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स्ड हर्ब, पिज्जा सीजनिंग और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। और साथ में मैंने ये लिया है थोड़ा सा पोहा जिसको मैंने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था और अब पानी इसका ड्रेन कर दिया है। और ये चीज़, आप चीज़ क्यूब्स ले सकते हैं। मेरे पास आज ग्रेटेड चीज़ था तो इसलिए मैंने अपने लिए ग्रेटेड चीज़ ही लिया है। आप चीज़ क्यूब्स भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इसमें धनिया पुदीना तो ऑलरेडी डाल रखा था, इसमें मैं डाल दूंगी कच्चा आम, 1 चम्मच चीनी, जीरा पाउडर। आप अपने तरीके की चटनी बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। बस कोशिश ये करिए कि पानी आप बिल्कुल ना डालें, और अगर आप डालें तो बहुत ही मिनिमम सा पानी डालें, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक बस। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए एकदम थिक चटनी बनके मेरी तैयार है। और अब हम बॉल्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 3 कप उबले हुए ग्रेटेड आलू और तकरीबन 100 ग्राम पनीर, इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1 से 1.5 कप ब्रेड क्रम्स और इसमें मैं मिक्स करूंगी पोहा जो कि हमने भिगो के रखा था। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमारी चटनी में भी नमक है और मोज़रेला चीज़ में भी नमक होता है। तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स, आप चाहें तो दूसरे मसाले भी डाल सकते हैं, और तकरीबन 1 ही चम्मच मैं इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। किसी भी ब्रांड की डाल सकते हैं आप पिज़्ज़ा सीजनिंग। और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 चम्मच गार्लिक मिक्स, आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें हाथ से मिक्स करके एक डो तैयार करना है। इसे हमें हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से इसे असल मसल के मैश करना पड़ेगा। तो ये डो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें हमने पोटैटो डाले थे, थोड़ा सा पोहा डाला था, पनीर डाला था और ब्रेड क्रम्स डाले थे। ये डो मैंने तैयार कर लिया, अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार कर ली है, अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स का साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी। अब एक हम इसकी बॉल बनाएंगे, तो ये इसको आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, तेल लगा के और इसको ऐसे इसमें हम थोड़ी सी चटनी फिल करेंगे, थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा चीज़। चीज़ और चटनी डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा ये कहीं से खुला नहीं हो, क्योंकि अगर ये बॉल कहीं से खुली रह गई तो ये एकदम से
फट जाएगी घी में जाते ही, तेल में जाते ही तलने के टाइम। तो अगर बाई चांस आपको कहीं से खुला नजर आए तो आप ऊपर से थोड़ा सा लेके लगा सकते हैं। तो बस खुला नहीं होना चाहिए, पहले हम ये सारी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी बॉल्स रेडी हैं, ये मैंने बॉल्स बना ली हैं, इनके अंदर चीज़ और चटनी फिल कर दी है मैंने। अब हम इसे कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप कर लेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। अच्छी तरह डिप करके इसे हम हाथों में लेके ऐसे झाड़ लें ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं वो निकल जाए। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने ये क्रम्स में डिप की हुई बॉल्स अब हम ये घी में तेल में डाल देंगे। देखिए इसके अंदर हमने थोड़ी सी चटनी फिल की है और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, ये हम चारों डाल देंगे। आराम से डालिएगा, थोड़ा सा झाड़ लेना ताकि ये अब हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्टेंस रखेंगे और थोड़ा थोड़ा घी इनके ऊपर, तेल इनके ऊपर डालेंगे और ये सिकनी शुरू हो गई है। अब हम पलट लेंगे, ये सिक रही हैं, अब हम पलट लेंगे। ये बॉल्स हमारी सिक रही हैं, इनको पलट लेंगे ऐसे धीरे धीरे चारों तरफ से सेकते हुए हम इन्हें बना लेंगे। तो ये देखिए हल्का ब्राउन होने तक हमने इनको सेक लेना है, बस ये चारों तरफ से आप हिला के इन्हें सेक लीजिएगा। ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं, बहुत टेस्टी फ्लेवरफुल यम्मी चीज़ चटनी चीज़ बॉल्स हैं ये, और यू कैन से बॉब्स क्योंकि इसमें से चटनी और चीज़ एक्सप्लोड करता है। ये देखिए ये हल्का सा डार्क ब्राउन होने तक हम इन्हें सेक लेंगे, एकदम ब्राउन हो गए हैं चारों तरफ से, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, एकदम परफेक्ट। और ये हैं चटनी और चीज़ फिल्ड बॉल्स। तो ये सारी बॉल्स हमने निकाल ली हैं, ये देखिए एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी और चीज़, एक और खोल के दिखाती हूँ, गर्म है अभी बहुत। ये देखिए चीज़ी चटनी और चीज़ से फिल्ड कंप्लीट बॉल्स, कंप्लीट। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व, वैसे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें चटनी ऑलरेडी फिल्ड है, पर सॉस के साथ, चटनी के साथ या किसी भी डिप के साथ। तो अब बारी है एक टिप की, तो आज हमने चटनी बनाई है तो मैं चटनी से रिलेटेड ही टिप देती हूँ आपको। जैसे आप चटनी बनाते हैं, धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं, उसको आप डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए आप चाहे तो उसमें भुनी हुई 2 चम्मच भुनी हुई चने की दाल डाल सकते हैं, और आप चाहे तो उसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी काली ना पड़े और लंबे समय तक ग्रीन रहे, तो आप जैसे 1 कप धनिया लेते हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 इंच लंबी शिमला मिर्च काट के डाल दीजिएगा। देखिए आपकी चटनी का स्वाद दुगना हो जाएगा और आपकी चटनी लंबे समय तक ग्रीन रहेगी। तो आप ही ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिए ये चीज़ी चटनी बॉम्ब्स या बॉल्स, और बताइए कमेंट करके मुझे कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। If you like my recipes, if you like my tips, please don't forget to like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon. Thank you.